गेरुआ वस्त्र में बैठे कांवड़ यात्री और पैर पर मरहम लगाते पुलिस, बाबा के जलाभिषेक को जाते भक्त और चरण पखारते उत्तर प्रदेश के अफसर, सड़क पर भक्ति में झूमते भक्त और आकाश से उन पर फूल बरसाते आईएएस और आईपीएस अधिकारी। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सावन के उस महीने में आई है जिसमें शिव के भक्त अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए अलग अलग इलाकों में पैदल चलकर आते हैं। सावन महीने का आधा वक्त बीत जाने के भीतर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें अलग अलग अफसर कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते, उनके पैर धोते, पैरों पर मरहम लगाते और उन पर फूल बरसाते दिखाई दे रहे हैं। जिलों के दफ्तर में आम लोगों के जाने पर कई बार जो अफसर इन्हें दुत्कार दिया करते हैं, आज वही अफसर कांवड़ लिए भक्तों के चरणों में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बलिया जिले की हैं, जहां उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कांवड़ यात्रियों के पैर धोते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आगे की हैं जब सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने कांवड़ यात्रियों के साथ मिलकर भगवान शिव का जयकारा लगाया और जमकर उनका स्वागत भी किया। अगली तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां एडीएम ऋतु सुहास कांवड़ यात्रियों पर फूलों की बारिश करते हुए नजर आ रही हैं। ऐसा ही हाल मेरठ जिले में भी है, जहां एसएसपी रोहित सजवाण, आईजी प्रवीण कुमार और अन्य अफसर कांवड़ यात्रियों पर आसमान से फूल बरसा रहे हैं। अफसर तो अफसर, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ से बागपत तक कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे इस स्वागत से कांवड़ यात्री अभिभूत हैं। यात्रियों का कहना है कि ये स्वागत सिर्फ सीएम योगी जैसे संत के मुख्यमंत्री होने पर ही संभव था, लेकिन योगी के इस व्यवहार पर सियासत भी हो रही है। कांवड़ यात्रियों पर बरसते फूलों को लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमिन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार को घेरा है और आरोप लगाया है कि हिंदुओं का सड़क पर स्वागत किया जा रहा है और मुस्लिमों को सड़क पर नमाज पढ़ने पर मुकदमा देखना पड़ रहा है। लेकिन ओवैसी के आरोपों के बावजूद योगी सरकार अपना स्टैंड बदलने को तैयार नहीं है। प्रदेश में सावन के महीने में कांवड़ यात्रियों के स्वागत का सिलसिला किसी तरह चलेगा, इसकी तस्दीक खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कर दी है। ये भी कहा है कि कांवड़ यात्रियों के स्वागत की परंपरा रही है, इसे नहीं बदला जाएगा। लेकिन सावन के महीने में उत्तर प्रदेश में इस बार कांवड़ यात्रियों को जिस तरह से रेड कार्पेट दिया गया है, ये अनोखा भी है और कई लोगों के लिए ऐतिहासिक भी। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।